नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। प्रदेश सरकार अवैध खनन पर रोकथाम के लाखों दावे कर ले, लेकिन प्रदेश में अवैध खनन रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। वहीं अवैध खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि अवैध खनन माफिया पुलिस टीम पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला काशीपुर से सटे कोसी खनन क्षेत्र के बेगमाबाद के पास मुकंदपुर का है, जहां देर रात सीओ काशीपुर राजेश भट्ट के नेतृत्व में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर अवैध खनन माफियाओं ने न केवल पथराव किया बल्कि मौके पर फायरिंग भी की, जिसमें पुलिस टीम के 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिसमें 1 पुलिसकर्मी अरविंद चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं सीओ राजेश भट्ट ने बताया कि अचानक की गई इस छापेमारी में काशीपुर कोतवाली, कुंडेश्वरी पुलिस चौकी, सुल्तानपुर पुलिस चौकी और ITI थाना पुलिस का संयुक्त अभियान था। अभियान के दौरान खनन माफिया अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ भाग खड़े हुए। वहीं जब एक टीम ने सभी खनन वाहनों को लेकर वापस लौट रही थी, तभी पुलिस टीम पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला कर 4 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। पुलिस ने मौके से आधा दर्जन से अधिक खनन से लदे वाहनों को कब्जे में लेकर 5 नामजद लोगों सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। कल हमने रात को एक आकस्मिक रेड की थी नदी, ये कोसी नदी के पास। इसमें कुंडेश्वरी चौकी, काशीपुर थाना और ITI और सुल्तानपुर पट्टी का फोर्स था चारों तरफ से। मौके पर हम गए तो उधर अवैध खनन चल रहा था, जिसमें से लोग अलग अलग भागे, तो 4-5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हमें भरी हुई खनन से लदी हुई एक जगह पे मिली। उसके अलावा 4 एक जगह पे मिली। जब हम 2 टीमें अलग अलग हमने कर की वहाँ पर, उसके बाद उनको जब लाने लगे तो एक टीम पर वहाँ लोकल कुछ जो खनन में लिप्त लोग थे उन्होंने पथराव किया है। उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों को चोटें आई हैं, इसमें से एक को गंभीर चोट है। उसके अलावा फायर भी वहाँ पर किया गया। वापसी में हम लोगों ने जो हमारे पास 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थी उनका दाखिल किया है थाने में। उसकी रिपोर्ट हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजेंगे। उसके अलावा इसमें मुकदमा कायम हो गया है 307 का। अब इसमें आगे की कार्रवाई चल रही है और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको हम जल्द ही अरेस्ट करेंगे। ठीक है। कुल 4 हमारे कर्मचारी घायल थे, जिसमें से एक को गंभीर चोट है। उसके माथे पर करीब 7 काफ़ी गहरा घाव हो गया है, 8 टाँके उस पर लगे हैं। फर्दर उसमें अभी एक्सरे वगैरह के बाद पता लगेगा। फिलहाल वो एंडेंजर्ड लिखा हुआ है डॉक्टर ने, तो 307 उसमें कायम किया गया है। सर, कितने लोगों मुकदमा दायर किया गया है? मुकदमा 10 से 15 लोग जो थे उनके खिलाफ काम किया, ये मुकदमा कायम किया है, जिसमें से 5 लोग नामजद हैं।